हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रुप फाइव। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोक्स फॉर्मूला एंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल। सो पहले स्टोक फॉर्मूला देख लेते हैं। सपोज एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है और वो लिक्विड में मूव कर रही है किसी वेलोसिटी वी से। सपोज जो बॉल की वेलोसिटी है वो कितनी है, वी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वेलोसिटी। सो इस बॉल पर एक विस्कस फोर्स लगेगा ड्यू टू द लिक्विड, और विस्कस फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसी विस्कस फोर्स के बारे में स्टोक्स ने फॉर्मूला बताया कि विस्कस फोर्स कितना होता है। सो विस्कस फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। सो स्टोक्स ने यह बताया कि जो विस्कस फोर्स है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, और अगर डायरेक्शन देखे तो अपोजिट है। सो वेलोसिटी वेक्टर के प्रोपोर्शनल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दूसरा, जो विस्कस फोर्स है वो लिक्विड की जो विस्कोसिटी है उसके प्रोपोर्शनल है। थर्ड, जो ये बॉल है स्फेरिकल बॉल, अगर इसकी रेडियस है आर, सो रेडियस के प्रोपोर्शनल है। इन तीनों को कंबाइंड करेंगे सो फॉर्मूला बन जाएगा वेक्टर एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस ईटा आर वी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होता है 6 पाई ईटा आर वी। माइनस साइन इसलिए क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट है। अगर मैग्नीट्यूड लिखे सो विस्कस फोर्स आ जाएगा 6 पाई ईटा आर V। तो ये क्या है, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए सॉलिड स्फेरिकल बॉल। अब हम टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, जो ये सॉलिड स्फेरिकल बॉल हमने कंसीडर की है इस पर देखते हैं कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो फोर्स है ये F, विस्कस फोर्स कितना 6 पाई ईटा आर वी। इसका वेट एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बायंसी फोर्स भी लेगा ड्यू टू लिक्विड, और बायंसी फोर्स किधर लेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये बायंसी फोर्स है। ओके, सो पहले कुछ एजम्पशंस लिख लेते हैं और लिमिटेशंस जो हम इस फॉर्मूले को, जो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है उसको ड्राइव करने के लिए या ये सब चीजें अप्लाई करने के लिए हम यूज करेंगे। सो पहले लिख लेते हैं हम एजम्पशंस एंड लिमिटेशंस। एजम्पशंस एंड लिमिटेशंस। फर्स्ट वन, जो स्फीयर है उसका साइज काफी छोटा होना चाहिए, लेकिन उतना छोटा नहीं होना चाहिए कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स है उससे भी कम हो जाए। सो द साइज ऑफ स्फेरिकल बॉल शुड बी स्मॉल बट नॉट लेस देन द साइज ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स। दूसरा, जो ये सॉलिड स्फेरिकल बॉल है इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कम, मतलब ये स्लोली मूव करना चाहिए। द बॉल शुड मूव स्लोली विद ए स्मॉल वेलोसिटी। थर्ड, द फ्लूइड शुड बी परफेक्टली होमोजेनस, दैट मीन्स जो फ्लूइड है वो सभी डायरेक्शन में कैसा है, आइडेंटिकल, हर जगह सेम फ्लूइड है, सेम पार्टिकल्स है। और दूसरा, जो फ्लूइड है उसकी डेप्थ होनी चाहिए बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट एक्सटेंशन का होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो ये बॉल है वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगी कुछ डेप्थ या कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, लेकिन अगर लिक्विड की डेप्थ कम रहेगी तो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने से पहले ही बॉल बॉटम से टकरा जाएगी। ठीक है, सो इनफाइनाइट एक्सटेंशन का होना चाहिए लिक्विड। सो ये लिख लेते हैं, द फ्लूइड शुड बी परफेक्टली होमोजिनस एंड ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन। फोर्थ वन, जो बॉडी है या जो बोली हमने वो परफेक्टली रिजिड होनी चाहिए। बॉडी इज परफेक्टली रिजिड। ओके, अब सपोज जो बॉल की डेंसिटी है वो हम मान लेते हैं सिग्मा, और जो लिक्विड है उसको मान लेते हैं रो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो हमने कंसीडर कर ली रो।
बायंसी फोर्स कितना होगा इस बॉल पर, बॉल का वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये बायंसी फोर्स होगा, और जो मास होगा बॉल का वो बॉल की डेंसिटी इंटू बॉल का वॉल्यूम। जो नेट फोर्स लगेगा बॉल पर वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी माइनस बी माइनस एफ। नेट फोर्स ऑन द बॉल, सो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, दैट इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ माइनस बायंसी फोर्स। सो ए इक्वल टू आ जाएगा जी माइनस एफ अपॉन एम माइनस बी अपॉन एम। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं विस्कस फोर्स की, या जो हमने स्टोक फॉर्मूला का यूज करके विस्कस फोर्स बताया वो, और बायंसी फोर्स। सो जी माइनस ये कितना है, 6 पाई ईटा आर वी, और जो बॉल का मास है वो कितना है, बॉल की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और सॉलिड स्फेरिकल बॉल है तो वॉल्यूम हो जाएगा 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। सो सिग्मा इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब माइनस बायंसी फोर्स, वॉल्यूम इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी, और मास है वॉल्यूम इंटू सिग्मा, वी से वी कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से ये आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा जी माइनस 6 × 3 18/4, तो 9/2 ईटा वी, ये आर स्क्वायर बचेगा नीचे और सिग्मा बचेगा, ये आ जाएगा माइनस रो अपॉन सिग्मा इंटू जी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो, ये और ये टर्म एक जगह, जी 1 - ρ/σ माइनस 9/2 ईटा/ρ (r²), और ये हो जाएगा v। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी वी, ए की वैल्यू ये है और b हमने ये कंसीडर कर लिया, तो ये आ जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है dv/dt। वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, सो dv/a - bv इक्वल टू dt, इंटीग्रेट कर दो जी। सपोज शुरुआत में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है या जो बॉल की वेलोसिटी है वो कितनी है, वी नोट, और वी नोट को हम सपोज मान लेते हैं जीरो है, पार्टिकल इज एट रेस्ट इनिशियली, दैट मींस बॉल इज एट रेस्ट इनिशियली, फ्री फॉल कर दिया बस लिक्विड के अंदर, और किसी इंस्टेंट पर टाइम टी पर वेलोसिटी कितनी है, वी। सो इसका इंटीग्रेशन कितना, ln a माइनस बी वी अपॉन माइनस बी, लिमिट जीरो से वी इक्वल टू, ये कितना टी। सो ये आ जाएगा ln a माइनस बी वी माइनस जीरो रखेंगे तो ln a और माइनस बी राइट साइड में माइनस बी टी। सो दिस कैन बी रिटन एज ln a माइनस बी वी अपॉन a इक्वल टू माइनस बी टी, ये ln राइट साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा e^-bt। सो a माइनस बी वी अपॉन a इक्वल टू e^-b(t), इसको हम लिख सकते हैं 1 - b/v इक्वल टू e^-bt। सो वेलोसिटी कम्स आउट टू बी a/b 1 - e^-bt। ओके, अब इसमें दो पॉइंट लिख लेते हैं हम, एक तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट थोड़ी देर के बाद, तो v क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, तो उसके लिए dv/dt क्या होना चाहिए, जीरो। तो जब dv/dt मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, मतलब नेट फोर्स पार्टिकल पर जीरो हो जाए बॉल पर, जो वेलोसिटी अटेन करेगा दैट वेलोसिटी विल बी कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। सो dv/dt यहां से डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, हमने dv/dt ये लिखा था। सो a माइनस बी वी, और a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, सो क्या हो जाएगा, dv/dt a माइनस बी वी इक्वल टू जीरो। सो ये है टर्मिनल वेलोसिटी, हमने vc मान लिया क्रिटिकल वेलोसिटी, सो vc इक्वल टू a/b। सो vc की वैल्यू, a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू है जी 1 - ρ/σ, सो जी 1 - ρ/σ, और b की वैल्यू क्या है, 9 ईटा/2 ρ/r², 9 ईटा/2 ρ/r², 9 ईटा/2 σ/r². ओके, सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो, 2/9
आर स्क्वायर अपॉन ईटा, सिग्मा के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सिग्मा माइनस रो इंटू जी। सो दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। अब दूसरा, एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट अगर हम पुट कर दे तो ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो, तो जो वेलोसिटी है ये ए बाई बी क्रिटिकल वेलोसिटी, वो किस टाइम पर अटेन होगी? इनफाइनाइट टाइम पर। सो बॉल को इनफाइनाइट टाइम लगता है टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने के लिए, इसीलिए जो लिक्विड है वो इनफाइनाइट एक्सटेंशन का होना चाहिए। ओके, अब देख लेते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम, यहां लिख लेते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसको डिनोट कर देता है टो से। सो दैट टाइम इन विच द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स वन अपॉन ई टाइम्स द टर्मिनल वेलोसिटी, सो टाइम इन विच द वेलोसिटी बिकम्स वन अपॉन ई टाइम्स द टर्मिनल वेलोसिटी, सो वी इक्वल टू कितना होना चाहिए? वन अपॉन ई इंटू वी सी। सो वी की वैल्यू पुट कर दो, ए बाई बी वन माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी इक्वल टू वन अपॉन ई, और वी सी क्या है? ए बाई बी। सो वन माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी इक्वल टू वन अपॉन ई, सो वन माइनस वन अपॉन ई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बी टी। सो यहाँ से जो टाइम आएगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? टू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन नाइन ईटा इंटू एल एन ई अपॉन ई माइनस वन, तो ये आ जाएगा बी की वैल्यू पुट करके, इसको आप सोल्व कर लेना। ओके, अब हम ग्राफ देख लेते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इधर टाइम और इधर वेलोसिटी। जब टी इक्वल टू जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है, जब टी इक्वल टू टो है वन अपॉन ई टाइम्स द क्रिटिकल वेलोसिटी। सो जब टी इक्वल टू टो है तो वेलोसिटी क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी इंटू वन अपॉन ई। और ग्राफ कैसा है? जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू घटती जाएगी, तो वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, और इनफाइनाइट टाइम पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, और यहाँ पर जब टी इक्वल टू इनफाइनाइट है तो वेलोसिटी कौन सी है? टर्मिनल वेलोसिटी। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द बर्नौलीज इक्वेशन, इट्स एजम्पशंस, लिमिटेशंस, करेक्शंस एंड इट्स एप्लीकेशंस।